नमस्कार, मेरा डॉक्टर अजय है। हमारे साथ पेशेंट है जावाहिरा जी, है श्रीनगर से आए हैं आप। हाँ, श्रीनगर। अच्छा, इनको जो कंप्लेंट है वो 6 साल से बैक में दर्द, 6 साल से टांगों में दर्द, अब पैर सुन भी होने लगे हैं। इवन लेफ्ट साइड का जो अंगूठा है वो भी कमज़ोर पड़ गया और चप्पल छूटने लग गया है। और कितना दूर तक चलने पर बैठना पड़ता है? बहुत। कितना? थोड़ा सा ही चल पाते हैं? हाँ। कितना, कितने कदम? वो उधर पड़ता है, वो थोड़े से भी आपको बैठना पड़ जाता है। ठीक है, चलो। अभी क्या है कि आपकी जो हमने MRI करवाई थी उसमें 3-4 लेवल पे आपको बताया कि दबाव है। हाँ। तो वो दबाव हटाएंगे, वो दबाव अच्छा खासा है। ठीक है, हटाएंगे और उसके बाद आपको अगले दिन चलाएंगे, देखते हैं फिर कैसा रहता है। ठीक है, जो सुनपन और दर्द खत्म हो जाना चाहिए। पीठ का थोड़ा थोड़ा दर्द रहेगा, वो रहेगा ऑपरेशन वाला, बाकी जो चलने पे सुनपन है, दर्द है, वो ठीक हो जाना चाहिए। ठीक है, ये आप देख पाएंगे, इसमें L4-5, L5-L3-4 और माइल्ड L2-3 में डिस्क बल्ज है। L5-S1 का भी है, तो 3 लेवल का डिस्क बल्ज है। L2-3 का फिर भी थोड़ा सा काम चल जाएगा, बट L3-4 में बिल्कुल सीवियर स्टिनोसिस है। तो L3-4 और L4-5 में ये 2 लेवल तो करने हैं। नीचे L5-S1 में थोड़ा ठीक है, तो बेसिकली ये सीवियर कंप्रेशन कर रहे हैं L3-4, L4-5 का। L2-3 को भी इंट्रॉप देख लेंगे कि कितना है। तो लंबर करना स्टेनोसिस का सीवियर केस है, और जिससे थोड़ा न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन विद EHL वीकनेस विद बाइलेटरल लोअर लिंब नंबनेस का केस है। तो इनको ऑपरेट करने जा रहे हैं, जिसमें छोटे से चीरे से ये दोनों दबाव हटा दिए जाएंगे और फिर देखते हैं पेशेंट ऑपरेशन के बाद कैसा रहता है। Hello, I am Mudassir Ahmadwani from Srinagar. My mother was suffering from canal stenosis from last 5 years. We reached so many places to go for many doctors, but everyone advises to go for spine surgery. But we hesitated for 2 years whether we should go for surgery or not. Then we heard of Dr. Ajay of Healing Hospital, Chandigarh. We met him in Srinagar near about 10 days back. We got a positive results from the doctor and the assistants of the doctors. They were there, and we thought we should go to Chandigarh. Then we fly to Chandigarh on 3rd of May. Then we got operated on Friday, and my mother is feeling very well. She is able to walk very freely, and these nursing staff members are very good, genuine. And helping, help others very good and in a proper way, and I'm satisfied with this hospital. I thought I should give advice to everyone, please follow this hospital and Dr. Ajay for neuro problems. He is one of the best doctors. So if you have any problem, kind of these kind of problems, so visit here, and preferably Dr. Ajay. Thank you.